फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारा नया वर्ड लॉजी। लॉजी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टडी करना। स्टडी करना, अध्ययन करना। हम किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ अध्ययन करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, उसे कहते हैं लॉजी। ठीक है, ये लॉजी नहीं बोलना, लॉजी बोलते जल्दी से, लॉजी। ठीक है, तो इसके कुछ वर्ड्स हैं और ऐसे ही मैं आपको कुछ और रूट वर्ड्स पे काफी सारी वीडियोस ला चुका हूँ और आगे भी लाऊंगा। इससे हम जल्दी से जल्दी मैक्सिमम वर्ड्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के बारे में स्टडी करना। सुना होगा आप हॉस्पिटल जाते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो हार्ट के बारे में काम करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सर्जरी करते हैं हार्ट की। ठीक है, तो लॉजिस्ट लगेगा तो वो काम करने वाला हो जाएगा, और लॉजी लगेगा उसका मतलब हो जाएगा वो उसकी स्टडी करना। ठीक है, आगे है बैक्टीरियोलॉजी, मतलब द स्टडी ऑफ माउंट बैक्टीरिया। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे तरह के, उन बैक्टीरिया पर स्टडी करने वालों को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। आगे है बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी का मतलब होता है, बिब्लियो का एक रूट वर्ड है ये भी, इसका मतलब बुक्स होता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के एंड में 3 पेज दिए हैं जिसमें कुछ रूट वर्ड हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में याद करने के लिए बोला था, द स्टडी ऑफ बुक्स। आगे है मैजिकोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैजिक, मतलब मैजिक की स्टडी करना, कैसे मैजिक करते हैं। धूम 3 आपने देखी होगी, लोग मैजिक, उसमें मैजिक करते हैं ना वो लोग, तो उसे कहते हैं मैजिकोलॉजी। ओरोलॉजी, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, मतलब माउंटेन पहाड़ों की स्टडी करना। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है बर्ड्स की स्टडी करना, बर्ड्स के बारे में पढ़ना। फिल्म आई थी रॉबर्ट 3.0, उसमें वो अक्षय कुमार जो होता है वो पहले बर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करता है ना, तो वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ना, देखो एक लॉजी वर्ड से हम कितने सारे वर्ड याद कर सकते हैं आसान से। चलो आगे बढ़ते हैं। सोसाइडोलॉजी, सोसाइडोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ सोसाइडल बिहेवियर, मतलब लोग सुसाइड क्यों करते हैं, इस बात का अध्ययन करना। ज़्यादातर ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। जाइलोलॉजी, जाइलोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ वुड्स। देखो सुना होगा आपने जाइलम, एक एक टिश्यू है जो कि प्लांट्स में होता है, तो जाइलोलॉजी प्लांट्स लकड़ी का होता है, तो द स्टडी ऑफ वुड्स। अगला वर्ड है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाटर, मतलब पानी का अध्ययन। देखो पानी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन स्टडी करना कि पानी कितना अच्छा है, कितने उसमें आयरन ज़्यादा है, मिनरल ज़्यादा है, ये साइंटिफिकली है, इसलिए यहाँ पर साइंटिफिक लिखा हुआ है मैंने। आगे है नेफोलॉजी, द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, बादलों का अध्ययन करना। ठीक है, ज़्यादातर हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है ना जो, वो उसमें काम करता है कि बादल कब बनेंगे, कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक का मतलब जहर होता है, पॉइजन होता है, तो स्टडी ऑफ पॉइजन्स। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ आइज। ठीक है, ऑप्टिकल सुना होगा आपने, ऑप्टिकल चश्मे वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल चश्मा होता है, तो ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है आंखों का अध्ययन करने वाला। ठीक है, अध्ययन करना, सॉरी। आगे वर्ड है पैडोलॉजी। पैडोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। आपने देखा होगा साइकोलॉजिस्ट होते हैं जैसे बहुत सारे, जैसे कि पैवलोव है, थॉर्नडाइक है, इन्होंने बच्चों पर अध्ययन किया, स्कीनर है, तो जो बच्चों पर अध्ययन करते हैं इन्हें बोलते हैं पैडोलॉजी, मतलब इस प्रक्रिया को पैडोलॉजी बोलते हैं, और वो होते हैं पैडोलॉजिस्ट करने वाले। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, फोनो मतलब साउंड होता है, तो द स्टडी ऑफ साउंड। सिस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ एक ग्राफ होता है जो बताता है कि अर्थक्वेक किस स्पीड से आया है, 7 रिक्टियर, 6.5 रिक्टियर, कि तो रिक्टियर जो स्पीड होती है उसी को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो वाइब्रेशन को कंपेयर करता है, मेजर करता है, तो सिस्मोग्राफ होता है मेजर करने वाला, लेकिन मेजर करने की जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। आगे ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन करना। ज़्यादातर जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो इसके बारे में अध्ययन करने के बाद ही बनते हैं। आगे ओइनोलॉजी, ओइनोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ वाइन, अलग अलग तरह के वाइन्स का अध्ययन करना, वाइन मतलब शराब। ऑनरियोलॉजी, ऑनरियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का अध्ययन, के सपने क्यों आते हैं, किस तरह के आते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर मतलब एक तरीके कैंसर, ऑन्को एक वायरस होता है, तो कैंसर, ट्यूमर, कैंसर होना या फिर कोई भी ट्यूमर की बीमारी होना, ग्रंथि, ग्लैंड वाली बीमारी होना, उसके अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। एक है ओपिलॉजी। ओपिलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांप का अध्ययन करना, कि कौन सा सांप कितना जहरीला है, कहाँ पाया जाता है, किस तरह की प्रजाति है, ये सब। एपियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बीज। बीज मतलब होता है जो वो नहीं तो मधुमक्खियाँ, उनको बोलते हैं। सेटोलॉजी, सेटोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ वेल। वेल समझते हो, वेल मछलियाँ, जो मछली नहीं है एक्चुअल में, होता मैमल से है, लेकिन वेल्स का अध्ययन करने को बोलते हैं सेटोलॉजी। ठीक है, आगे है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को बोलते हैं द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़ों का अध्ययन करना। जैसे आपने फिल्म देखी होगी गॉडजिला, गॉडजिला में एक शुरू में दिखाते हैं एक लड़का होता है जो एक बारिश वाले एरिया पर जाता है और ज़मीन में करंट लगा के कीड़े निकालता है। तो वो कीड़े निकाल रहा है, वो अर्थ बॉम्ब को निकालता है, तो अर्थ बॉम्ब बॉम्ब को निकालता है, उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, उनका अध्ययन करेगा। एक होता है एथोलॉजी। एथोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, मतलब एनिमल का बिहेवियर, किस कंडीशन में एनिमल कौन सा बिहेव करेगा, चाहे वो अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरह का उनका बिहेव होता है और अलग अलग तरह की सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सर्कस वाले या जानवर के डॉक्टर इन चीज़ों को मेजर करते हैं। आगे लास्ट है हमारा ये मैमोलॉजी। मैमोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, और आप सब बखूबी जानते होंगे स्तनधारी मतलब जिनके जो बच्चे पैदा करते हैं, जिनके शरीर में बाल होते हैं, और जो जिनमें फीमेल्स अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, जिनमें मिल्क ग्लैंड होता है, ठीक है, तो उन सब के बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं दस मैमोलॉजी। हेरपेटोलॉजी, हेरपेटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रेप्टाइल, जो रेंगने वाले होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं हेरपेटोलॉजी। हिप्पोलॉजी, हिप्पोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ हॉर्सेस, मतलब घोड़ों का अध्ययन करना। माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंजाई। माइको मतलब होता है छोटी चीजें, ठीक है, तो फंगाई, फंजाई का अध्ययन करने को बोलते हैं माइकोलॉजी। फाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। पोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। जूलॉजी, पोमे, देखो पोमेग्रेनेट होता है ना, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट क्या है, अनार, फ्रूट है वो भी, तो पोमोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की स्टडी करना, कि कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, इनकी प्रजाति क्या हो सकती है, कहाँ से पाए, कैसे इनका जन्म हुआ होगा, किस तरह का डेवलपमेंट होता है, ये सब पढ़ना उनके बारे में। अब कुछ रूट वर्ड्स हैं जो मैंने आपको हर वीडियो में डाले हुए हैं, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल लिंक पे जाकर ये सारी वीडियोस निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, मिस का मतलब हेट, फाइल का मतलब लव, पाथ का मतलब फीलिंग, मैन का मतलब हैंड, ये ग्रीक वर्ड्स सारे, ये सब मैं आपको ऑलरेडी करके दे चुका हूँ। इन्हीं वर्ड्स को आप याद करते जाएंगे तो बस आप काफ़ी कुछ याद कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को स्ट्रांग बना सकते हैं अपने को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।